हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। डिपार्टमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ SC ST OBC एंड माइनॉरिटी की तरफ से जो है राजकीय उच्चतर माध्यमिक आवासीय विद्यालय फुली रेजिडेंशियल स्कूल है, जहां से शिक्षक भर्ती का एडवर्टीजमेंट आया है, जिसमें टीचिंग की भी पोस्ट है और नॉन टीचिंग पोस्ट भी निकाली गई है। आवेदन के लिए कोई भी फीस नहीं लग रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में ही जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पूरे भारत के किसी भी राज्य के कैंडिडेट अगर सब्जेक्ट है, क्वालिफिकेशन है, तो बिल्कुल आवेदन करें। तो चलिए देख लेते हैं लास्ट डेट जो है वो क्या रहने वाली है। ऑनलाइन मोड में कैसे आवेदन करना होगा और ऑफलाइन में कैसे आवेदन करना रहेगा। सबसे पहले जो है मेन वेबसाइट पर ही देख लेंगे। न्यूज़पेपर में भी जो है एडवर्टीजमेंट डाला गया था। एडवर्टीजमेंट प्रिंट जो है अब मेन वेबसाइट पर भी आ गई है, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस दिल्ली राजकीय उच्चतर माध्यमिक आवासीय विद्यालय। तो ये पूरा जो है एडवर्टीजमेंट पहले न्यूज़पेपर में आया था 9 मार्च को, उसके बाद अभी जो है आपको मेन वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो है देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट की जो है यहाँ से वैकेंसी आई है। प्रिंसिपल की पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल की है वैकेंसी। PGT में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर, पेंटिंग एंड IT टीचर्स की वैकेंसी है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स, नेचुरल साइंस, हिंदी, संस्कृत एंड उर्दू की वैकेंसी है। प्राइमरी टीचर या असिस्टेंट टीचर जनरल की वैकेंसी है। म्यूजिक एंड डांस टीचर की वैकेंसी है। उसके बाद जो है ड्राइंग टीचर की वैकेंसी है। कंप्यूटर टीचर की स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। नॉन टीचिंग स्टाफ में जो है नर्स है, अकाउंटेंट है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, लैब असिस्टेंट, क्लर्क, हॉस्टल वार्डन, MTS। तो ये जो है वैकेंसी है जिसमें टीचिंग स्टाफ के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है उसे हम देख लेते हैं। तो यहां पर लिखा है पोस्ट नंबर 1 एंड 2। 1 एंड 2 में प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल हैं और पोस्ट नंबर 3 में है PGT टीचर्स। तो पोस्ट नंबर 1 एंड 2 के लिए इन्होंने मास्टर डिग्री के साथ में BEd, मिनिमम 5 ईयर का PGT या फिर 10 साल का जो है TGT में, या फिर 5 साल का एडमिन में आपने अनुभव गेन किया है तो आप यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों रहेगा। पोस्ट नंबर 3 PGT के लिए था, तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में BEd और 3 साल का अनुभव PGT या 5 साल का अनुभव TGT टीचर्स में आपने गेन किया हो, कहीं पर भी पहले पढ़ाया हो। फोर्थ नंबर है जिसमें CTET जो है कहा है इन्होंने, साथ में BEd और 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। पोस्ट नंबर 4 किसका है? TGT टीचर्स का है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स का है। उसके बाद पोस्ट नंबर 5 जो है जिसमें डाइट या JBT वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट नंबर 5 में PRT असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है। नेक्स्ट यहाँ पर म्यूजिक एंड डांस टीचर पोस्ट नंबर 6 में है, तो यहाँ पर डिग्री मांगा गया है और 3 साल का अनुभव। अभी आप देखें कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने CBSE बोर्ड में पढ़ाया है या किसी और बोर्ड में पढ़ाया, ऐसा कुछ अनुभव नहीं मांग रहे हैं, बस केवल अनुभव मांग रहे हैं। ठीक है, कहीं पर भी आपने किसी भी पब्लिक स्कूल में पढ़ाया है तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है तो उसे आप देख लें। नेक्स्ट जो है यहाँ ड्राइंग टीचर और फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो वैकेंसी है तो उसमें VPEd मांग रहे हैं या MPEd मांग रहे हैं, जो कि पोस्ट नंबर 14 में आप देख सकते हैं। इसमें जो है कोई अनुभव नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, बाकी जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है वो भी आप देख सकते हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए अगर कोई भी अप्लाई करना चाहेंगे तो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से आपने किया है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से, लेकिन 2 साल का जो है यहाँ पर बोर्डिंग स्कूल या फिर किसी हॉस्टल में जो है वार्डन में आपने काम किया हो, फीमेल कैंडिडेट को ही प्रेफरेंस ये लोग देंगे। तो वैकेंसी जो है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज दिल्ली राजकीय उच्चतर माध्यमिक आवासीय विद्यालय। तो ये फुली रेजिडेंशियल स्कूल है, बिल्कुल आवास की सुविधा जो है सैलरी के साथ में टीचर्स को प्रोवाइड होगी। अब देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन मोड में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 9 मार्च का जो है ये विज्ञापन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, यहाँ लिखा है 10 दिन के अंदर ही जो है, जब विज्ञापन जारी हुआ है उसके 10 दिन के अंदर यानी 9 के बाद जो है आप लोग 19 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। एड्रेस ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा,
गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, बी ब्लॉक, विकास भवन, आईपी स्टेट, न्यू दिल्ली। तो यहाँ न्यू दिल्ली में ही जो है आप लोगों को टीचिंग करनी होगी अगर आपका सिलेक्शन यहाँ हो जाता है। बस इतना ही इन्होंने लिखा है, कोई एग्जाम होगा या ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा गया है। हो सकता है आप लोगों को बाद में जो है इन्फॉर्म किया जाए। अब देख लेते हैं ऑनलाइन जो है आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो आप लोगों को मेन वेबसाइट पर आना है स्कूल की, उसके बाद लेटेस्ट अपडेट आपको होम पेज पर ही दिखाई देगा, अप्लाई फॉर वेरियस टेंडर्स, अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट इन स्कूल। तो यहाँ सेकंड नंबर पर जो है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। एडवर्टीजमेंट इन प्रिंट मीडिया, तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट इन स्कूल, इस पर क्लिक करके, और यहाँ पर जो है आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ है, इस तरीके से गूगल फॉर्म होगा। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहेंगे बिल्कुल समय से पहले जो है अप्लाई कर दें। अभी जो है इस स्कूल में एडमिशन भी जो है स्टार्ट है, तो आवासीय विद्यालय है, और भी जैसे ही वैकेंसी जारी होती है किसी भी स्टेट की, शिक्षक भर्ती की जो विज्ञापन जारी होंगे बिल्कुल समय से पहले आप लोगों को सूचित किया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।